नमस्कार, सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं मानसी, आइए नजर डालते हैं आज की ताजा गतिविधियों पर। जोग मेले में उमड़ा युवाओं का हुजूम, सिविल अस्पताल में शपथ दिलाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया संदेश। छात्राओं ने चीनी सामान का बहिष्कार करने की ली शपथ। विभिन्न प्रतियोगिताओं में नौनिहालों ने अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन। अब गतिविधियां विस्तार से। जोग मेले में उमड़ा युवाओं का हुजूम, मेले में विभिन्न कॉलेजेस के विद्यार्थी हुए शामिल। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने के लिए कई प्राइवेट कंपनीज आगे आते हुए जॉब फेयर्स का आयोजन कर रही हैं। यमुनानगर के आईटीआई के प्रांगण में शुक्रवार को जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ से विभिन्न कंपनीज आई, जहां आयोजक इस जॉब फेयर को लेकर उत्साहित नजर आए। वहीं यमुनानगर के बेरोजगार युवाओं ने भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आज डिजिटल युग है, इस तरह के जॉब फेयर युवाओं को आगे बढ़ाने में सहायक है, इससे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। यहां आईटीआई कैंपस में ये हमारे डिपार्टमेंट और रोजगार विभाग जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट दोनों का ज्वाइंट जॉब फेयर था। जॉब फेयर भी है ये और जॉब लोन मेला भी है। इसमें जो है जो आईटी से पास आउट बच्चे वो भी पार्टिसिपेट किया उन्होंने भी, और साथ में जो सक्षम स्कीम में एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में बच्चे एनरोल हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। बीटेक, एमटेक और एमसीए सभी क्वालिफिकेशन के बच्चे आज इस जॉब मेले में आए हैं। और हमारे यहाँ आज जॉब मेले में हमने 11 बाहर से इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव बुलाए हुए थे, जिसमें मेनली जो है लुधियाना से कलमारू इंडिया लिमिटेड, बद्दी से सिक्योर मीटर लिमिटेड और बाकी जो है लोकल इंडस्ट्रीज उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें जो है आईटीआई से जो पास आउट बच्चे हैं उनके साथ साथ जो है जो अभी बच्चे एग्ज़ाम देकर गए हैं उनको भी इन्वाइट किया गया था। और साथ ही जो है ये जो मेले में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसमें बेसिक नॉलेज तो बच्चों को ठीक है, जो हमने बेसिक जजमेंट किया, अभी टेक्निकल जो इंटरव्यू लेंगे वो टेक्निकल जो हमारे पर्सन है वो कंपनी में ही हम ऑर्गेनाइज करेंगे। इंटरव्यू रिज्यूम हमने इकट्ठे कर लिए हैं, फॉर्म भरवा लिए हैं, शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। जी कारू लुधियाना से आई है, इसमें दिया सर जानकारी तो यह है कि सैलरी कितनी देगी, अप्रेंटिस तो अप्रेंटिस के लिए आई है, कुछ लड़के अप्रेंटिस के लिए इसमें इंटरव्यू दे रहे, पेपर दे रहे। अप्रेंटिस तो मैंने कर लिया है गुड़गांव मारुति से, अभी जॉब के लिए अप्लाई किया है यहीं कंगारू में, अभी देखते हैं क्या बनेगा। हाँ जी, हाथ का काम है जी, आईटी तो कर लीजिए, बस जॉब मिल पाना मुश्किल है जी, काफ़ी दिन हो गए ट्राई करते हुए कहीं काम ही नहीं बन रहा। सिविल अस्पताल में शपथ दिलाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया संदेश। अस्पताल के स्टाफ ने बेटी बचाने का लिया संकल्प। सिविल अस्पताल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह के अंतर्गत शुक्रवार को लोगों को बेटी बचाने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। उप सिविल सर्जन सुनील कुमार ने बताया कि गर्भ से पूर्व लिंग जांच कराना पीएनडी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। लोगों को चाहिए कि बेटा बेटी का फर्क मिटाकर समाज में बेटी को समान भावना की नजर से देखना चाहिए, तभी समाज का समुचित विकास हो पाएगा। इस अवसर पर उप सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर दीपिका गुप्ता, डॉक्टर पृथ्वी सिंह, डॉक्टर विजय परमार, डॉक्टर शिवेंद्र सिंह, डॉक्टर विपुल गोयल, डॉक्टर विजय परमार, डॉक्टर मधु आदि उपस्थित रहे। छात्राओं ने चीनी सामान का बहिष्कार करने की ली शपथ। स्वदेशी जागरण मंच ने दिवाली के अवसर पर चाइनीज सामान न खरीदने की अपील की। स्वदेशी जागरण मंच की ओर से डीएवी कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं ने चीनी सामान का बहिष्कार करने की शपथ ली। जागरण मंच के डॉक्टर अंकेश्वर और डॉक्टर उदयवान सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। डॉक्टर अंकेश्वर ने कहा कि काफी समय से चीन भारत के खिलाफ गलत गतिविधियों में शामिल है। सीमा पर आए दिन चीन तनाव की स्थिति उत्पन्न करता रहता है। चीन सबसे ज्यादा भारत में अपने सामान को बेचता है, जिसके कारण भारत के कई उद्योग की स्थिति चरमरा गई है। भारत के लोगों को चाहिए कि चीनी सामान को ना खरीदें, बल्कि भारत में निर्मित स्वदेशी वस्तु को ही खरीदें। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा तथा अरबों रुपए चीन जाने के बजाय भारत का रुपया अपने देश में ही रह जाएगा। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विभा गुप्ता ने भी छात्राओं को स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया। इस समय मैं मौजूद हूँ डीएवी गर्ल्स कॉलेज में, जहाँ पर स्वदेशी जागरण मंच द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में स्वदेशी सामान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना था। इस समय मेरे साथ मौजूद है डीएवी गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विभा गुप्ता, डॉक्टर अंकेश्वर जी और डॉक्टर उदयभान, जिनसे की मैं बात करूंगी और जानना चाहूंगी कि क्या जो जरूरी चीजें हैं स्वदेशी सामान को अपनाने के लिए, और जिस तरह के आजकल चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो काफी ज्यादा भारी मात्रा में देखे जाते हैं, जिनकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पे भी काफी असर पड़ता है,
तो आइए बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप ये बताइए कि जो स्वदेशी जागरण मंच जिसके की आपने बात करी यहाँ पर डीएवी गर्ल्स कॉलेज में, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्या है और क्या इसका मकसद है। दरअसल क्या है, अभी डॉक्टर अंकेश्वर जी ने अभी आप सबको बताते हुए ये आह्वान किया भी कि चाइना शुरू से ही भारत से दुश्मनी का भाव रखता है, शत्रुता का भाव प्रारंभ से ही रखता है। जिस समय 1962 का युद्ध भी उसने हम पर थोपा, उस समय हिंदी चीनी भाई भाई कह करके और हमारा भरोसा लिया और हमारे भरोसे के साथ उसने विश्वास किया, और उसके बाद फिर वो हमारा जो दुश्मन है पाकिस्तान, उसको भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वह प्रमोट करता रहता है ताकि वह भारत को परेशान करता रहे। जिस प्रकार की गतिविधियां जम्मू कश्मीर में चला रहा है पाकिस्तान, आतंकवादियों को घुसपैठियों को भेजता है, तो उसमें भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चाइना का हाथ है। सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आप बताइए कि ज्यादातर देखा जाता है कि जो चाइनीज सामान है वो काफी सस्ते पड़ते हैं लोगों को, इसलिए जो आमतौर पर गरीब तबका है वो चाइनीज प्रोडक्ट की ओर ज्यादा आकर्षित हो जाता है, तो इससे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, इससे बचने के दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो जो सरकार है उसको प्रयास करना चाहिए कि वो लोगों को, ऐसे लोग जो इस प्रकार के सामान बनाते हैं, तो अपने देश के उत्पादकों को थोड़ी सब्सिडी दे। चीन बड़ा चालाक देश है, अपने देश के मजदूरों को, किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है वो, तब वो सामान इतना सस्ता होकर बाहर आता है। ऐसा नहीं है कि उसको सस्ता बना सकते हैं, उसकी एक लिमिट है बनाने की। तो भारत और अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है वो दबाव डालते हैं कि भारत अपनी सब्सिडियाँ समाप्त करे। जितने विश्व के विकसित राष्ट्र हैं वो आजकल इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट जा रहा है कि सब्सिडीज खत्म होनी चाहिए हमको। तो भारत सरकार से हम बार बार ये अनुरोध करते हैं, बार बार दबाव बनाने का प्रयास करते हैं मंच कि सरकार अपनी सब्सिडियां खत्म ना करके लोगों को सब्सिडी दे, ऐसे लोगों को सब्सिडी दे जिसको जरूरत है, जिनको जरूरत है। सरकार का जो एक प्रयास बड़ा सराहनीय रहा है वो, जिसे हम आजकल एक कॉन्सेप्ट के द्वारा रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सब्सिडीज, ये पॉइंट इकोनॉमिक्स में चलता है बहुत जबरदस्त। तो क्या विषय है कि सब्सिडी तो मिले लेकिन उसका टारगेट ग्रुप देखा जाए, इसीलिए सरकार ने आधार कंपलसरी करके और बुजुर्गों की पेंशन होगी और इस प्रकार की गैस की सब्सिडी होगी उसको सरकार ने बदलने का प्रयास किया है। लेकिन हमारा सरकार से बार बार आग्रह और सरकार पर दबाव बनाने का मंच का पूरा हमारे शीर्ष नेतृत्व का प्रयास है कि सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए जो हमारे गरीब कल्याण, मजदूरों के कल्याणकारी हों, ना कि विदेशियों के हितकारी। मैम, आप ये बताइए कि जिस तरह से कॉलेज में युवा काफ़ी होते हैं तो उनमें एक जागरूकता फैलानी बहुत ज़रूरी हो जाती है इस समय में, तो ये जो इस तरह की रैली जो आप लोग आयोजित कर रहे हैं, समारोह आयोजित कर रहे हैं, इनका कितना महत्व रहता है? आई थिंक इस रैली और इन भाषणों के माध्यम से हम हर युवा को जागरूक कर सकते हैं, और आई थिंक कि यदि हम इस तरह के भाषण टाइम टू टाइम करवाते रहें, रैलीज करवाते रहें, मैं यही समझती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि हर भारतीय का यही नारा होगा, स्वदेशी बनो, स्वदेशी बनो और भारत को बचाओ। और जिस तरह से आज हमने संकल्प भी लिया है कि हम सब जो है स्वदेशी बनेंगे और हम चीन की बनी हुई चीज़ों को और विदेश की बनी हुई चीज़ों को हम बिल्कुल भी उसकी तरफ तवज्जा नहीं देंगे, और यदि हम टाइम टू टाइम जो है इस तरह के जागरूक भाषण करवाते रहेंगे तो देश का हर युवा जो है अपनी चीज़ों को जो है तवज्जा देगा और अपनी चीज़ों को अपनाएगा। तो चलिए, जैसा कि हमने देखा कि इस कॉलेज में आयोजित इस समारोह में बच्चों का भी काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला, और स्वदेशी जागरण मंच की भी यही नीति है कि वो लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाए कि किस तरह से भारत के लोग स्वदेशी सामान को अपनाकर चाइनीज सामान का बहिष्कार कर सकते हैं। इसी के साथ मैं स्वाति सैनी, कैमरा पर्सन ऋतु के साथ, सिटी लाइव यमुना। विभिन्न प्रतियोगिताओं में नौनिहालों ने अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन, बाल दिवस के अवसर पर कराई गई प्रतियोगिताएं। जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा बाल दिवस के उपलक्ष में शुक्रवार को विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई गई। बच्चों ने मोनो एक्टिंग, फैंसी ड्रेस, क्ले मॉडलिंग आदि प्रतियोगिताओं में 140 बच्चों ने भाग लिया। बाल कल्याण अधिकारी मनीषा खन्ना ने बताया कि बच्चे भारत का भविष्य हैं और इन नौनिहालों को बचपन से ही चहुमुखी प्रतिभा विकसित करनी चाहिए, इसलिए बचपन से ही इन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना चाहिए, तभी इनका संपूर्ण विकास हो सकेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।